दोस्तों, अगर आप भी जसप्रीत बुमराह को एक बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच में खेले गए पहले टेस्ट मैच के दौरान चौथे दिन बड़ा ही जबरदस्त खेल हुआ और इस दिन भारतीय टीम की ओर से सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी रहे जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने इस मुकाबले में अंग्रेजी टीम को पूरी तरीके से चारों खाने चित कर दिया। दोस्तों, बता दें कि जसप्रीत बुमराह ने अपने इस शानदार प्रदर्शन का सारा श्रेय भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को दिया है। चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको उनके बयान के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली में कौन है बेहतरीन कप्तान? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच में खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम पूरी तरीके से अंग्रेजों पर हावी रही। दोस्तों, आपको बता दें कि चौथे दिन की शुरुआत से ही भारतीय टीम के गेंदबाजों ने पूरे तरीके से इंग्लिश टीम पर अपना दबदबा बनाए रखा। दिन की शुरुआत में ही भारतीय टीम को सफलता मिल गई और जब मोहम्मद सिराज ने रोरी बंस को आउट करके पवेलियन की ओर रवाना कर दिया, इसके बाद तो भारतीय टीम को दूसरी सफलता मिलने में ज्यादा समय नहीं लगा और भारतीय टीम को यह दूसरी सफलता जैक क्रॉली के रूप में मिली, जब जसप्रीत बुमराह ने उनको अपनी आग उगलती हुई गेंद से जैक क्रॉली को चारों खाने चित कर दिया और पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों, बता दें कि दो विकेट गिरने के बाद तो यह अनुमान लगाया जा रहा था कि भारतीय टीम पूरी तरीके से अंग्रेजी टीम पर अपना दबदबा कायम कर लेगी, लेकिन भारतीय टीम को यह थोड़ी मालूम था कि इंग्लिश टीम के कप्तान जो रूट बड़ी ही शानदार पारी खेलते हुए भारतीय टीम और उसकी जीत में बड़ी बाधा बन जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इस मुकाबले में जो रूट ने बड़ी ही शानदार शतकीय पारी खेली, लेकिन दोस्तों जहां एक तरफ इंग्लिश टीम की ओर से कप्तान जो रूट ने बड़े ही शानदार प्रदर्शन किया, वहीं भारत की ओर से इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने बड़ी ही घातक गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह ने इतनी शानदार गेंदबाजी करी कि उन्होंने पूरी तरीके से इंग्लिश टीम को नेस्तो नाबूद कर दिया। दोस्तों, बता दें कि जसप्रीत बुमराह ने इस मुकाबले में आग उगलती हुई गेंदबाजी के चलते 5 विकेट लेकर अपना पंजा खोलकर इंग्लिश टीम पर पूरी तरीके से शिकंजा कस लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे ही जसप्रीत बुमराह ने जेम्स एंडरसन को आउट किया तो उन्होंने इस मुकाबले में 5 विकेट ले लिए और ये विकेट लेते ही उन्होंने एक बड़ा ही अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम की ओर से पहले ऐसे गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने सबसे कम टेस्ट मैच खेलकर सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल अपने नाम किया है। दोस्तों, बता दें कि जिस पर बुमराह ने सिर्फ 21 टेस्ट मैच खेलकर 6 बार 5 विकेट लेकर पंजा खोला है। दोस्तों, बता दें कि जसप्रीत बुमराह ने अपने शानदार प्रदर्शन के बाद बयान दिया कि उन्होंने अपने बयान में कहा कि वो बड़े ही खुशनसीब हैं कि उन्होंने ऐसा अनोखा प्रदर्शन करके टीम को एक मजबूती में लाकर खड़ा कर दिया है। वो जब भी मैदान पर खेलने के लिए उतरते हैं तो उनका माइंडसेट हमेशा यही रहता है कि वो हमेशा पिछले मैच में बेहतर प्रदर्शन करें और भारतीय टीम को हमेशा मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा करें और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में उनका प्रदर्शन बड़ा ही निराशाजनक रहा था, जिसके बाद उन्हें काफी ज्यादा दुखी होना पड़ा और उन्होंने अपने इस असमंजस में अपने गुरु महेंद्र सिंह धोनी से बात करी, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा आत्मविश्वास मिला। दोस्तों, बता दें कि जसप्रीत बुमराह ने आगे चलकर बताया कि महेंद्र सिंह धोनी ने हमेशा से ही उनको हर परिस्थिति में सपोर्ट किया और वो हमेशा से ही उनका मार्गदर्शन करते हुए आए हैं। जब तक महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम का हिस्सा थे, उन्होंने उनसे काफी कुछ सीखा था। महेंद्र सिंह धोनी हमेशा से ही उनके कप्तान रहे हैं और गुरु भी। अगर महेंद्र सिंह धोनी जैसा कप्तान उनको ना मिला होता तो वो आज इन ऊंचाइयों पर ना होते। आज वो जो कुछ भी है महेंद्र सिंह धोनी की वजह से। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि क्या महेंद्र सिंह धोनी सही में अपनी कप्तानी के दौरान कई युवा खिलाड़ियों को मार्गदर्शन करके उनके खेल में सुधार लाने में सहयोग देते थे या नहीं? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।